जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। गोरखपुर में भी इसका आयोजन हुआ। फिल्म अभिनेता और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। सांसद रवि किशन भी दौड़ में शामिल हुए और उन्होंने इस अवसर पर लोगों को हर रोज सुबह 1 घंटा शरीर को देने का आह्वान किया और कहा कि दौड़ना या कसरत करना सेहत के लिए ज़रूरी भी है। दौड़ विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से होते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा काली मंदिर पर आकर संपन्न हुई। वहां पर सांसद रवि किशन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे लोक गुरु जिनके बारे में पूरा देश विश्व जानता है। थोड़ा नीचे कर लो, चारों को उनके डिसीजन को लोहा माना है, तो उसके लिए एक शक्ति का, एक रन फॉर यूनिटी का प्रदर्शन होना चाहिए, जहाँ पे हर समाज, हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोग एक साथ दौड़ेंगे। तो आज पूरा गोरखपुर साथ दौड़ा और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक छोटी सी भेंट की। और मैं धन्यवाद दूंगा श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनके विचारों के साथ आज देश दौड़ रहा है। इसी बहाने फिट भी रहेगा, जागरूकता भी रहेगी, यूनिटी भी रहेगी, एकता भी रहेगी और देश की प्रगति भी रहेगी। ये एक साथ मिल के दौड़ना, जुटना, सेहत, अगर आप, क्योंकि मेरे पिताजी बीमार हैं तो मैं जानता हूँ जब सेहत बीमार रहती है तो पूरा परिवार बीमार हो जाता है, घर का एक मुखिया अगर बीमार रहता है। इसलिए शरीर के लिए फिटनेस भी बहुत जरूरी है, दौड़ना बहुत जरूरी है, 1 घंटा कसरत बहुत जरूरी है। तो ये लोक पुरुष का भी आह्वान था, हमारे देश के प्रधानमंत्री वो भी लोक पुरुष।